बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानकापुर क्रीड़ा संकुल में होगी अग्निवीर चयन प्रक्रिया, डॉक्टर विपिन इटनकर ने की व्यवस्था की समीक्षा। उद्धव ठाकरे अब सच्चे हिंदुत्ववादी नहीं रहे, चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया आरोप। और नागपुर में डॉक्टर विपिन इटनकर द्वारा निर्माल्य रथ को दिखाई गई हरी झंडी, रथ के माध्यम से की गई जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। अग्निवीर योजना के अंतर्गत भारतीय सेना ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत अब विदर्भ के 10 जिलों में पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए जिलावार चयन प्रक्रिया मानकापुर क्रीड़ा संकुल में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने सोमवार को व्यवस्था की समीक्षा की। अग्निवीर चयन प्रक्रिया के लिए विदर्भ के 59,911 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया है और मानकापुर खेल परिसर को शारीरिक प्रतियोगिता और इसके लिए आवश्यक अन्य मामलों के लिए चुना गया है। जिला कलेक्टर ने इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने व अन्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभिजकर, सेना भर्ती कार्यालय नागपुर के निदेशक कर्नल जगत नारायण, संभागीय उप निदेशक खेल एवं युवा सेवा नागपुर शेखर पाटिल उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी बार्टी के कुछ अधिकारियों द्वारा मंत्रालय के नाम का दुरुपयोग कर 21% की दर से प्रशिक्षण केंद्रों से धन एकत्र किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि बार्टी ने इस आरोप को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कुछ केंद्र सिर्फ दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं। बार्टी पुणे के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं के साथ साथ पुलिस और सैन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश के 30 प्रशिक्षण केंद्रों पर 7,500 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे। यह कार्यक्रम 2018 से चल रहा है और यह अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में मदद करता है। हालांकि इस कार्यक्रम को लागू करने के सरकार के फैसले के बावजूद प्रशिक्षण केंद्र सामने आए हैं। नागपुर से बिलासपुर के बीच शुरू हाई स्पीड परियोजना का कार्य अब अंतिम चरण में है, लेकिन जिस परियोजना को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मंजूरी दी गई थी वो अब सिमट कर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके पीछे बजट की कमी का कारण बताया जा रहा है। वहीं रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की नाराजगी भी सामने आ रही है। करीब 6 साल पहले केंद्र सरकार ने बजट में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद ट्रेन को जल्दी शुरू करने का दावा किया गया, लेकिन इस कार की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड ने सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य को कोई बजट नहीं दिया है। इसके लिए अलग से कोई काम नहीं किया जाता। नागपुर से बिलासपुर तक 412 किलोमीटर का काम SECR द्वारा पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने दुर्ग नागपुर के बीच 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है, उसका काम हो गया है। इसके बाद भी सेमी हाई स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चलेगी। इसके बजाय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपरफास्ट ट्रेनें चलाएगा। बिलासपुर से झारसुरा तक के चौथे रूट का 130 किलोमीटर का रास्ता साफ होने के बाद सभी सुपरफास्ट ट्रेनें इसी रफ्तार से चलेंगी। फिलहाल यात्री परेशान है क्योंकि इस रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले का कहना है कि उद्धव ठाकरे अब सच्चे हिंदुत्ववादी नहीं रहे। शिवतीर्थ निवास पर राज ठाकरे से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं है। इसके साथ ही बावनकुले ने शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने सत्ता में रहते हुए कई लोगों का राजनीतिक सफाया कर खुद का उत्थान किया है। संभाजी ब्रिगेड जे अत्यंत कट्टर विरोधक आहे संघ विचाराचे आणि विश्व हिंदू परिषद विचाराचे, त्यांच्याशी युक्ती करतात आणि दुसरीकडे अशा बच्चा बोलतात। ते काय आहे की त्यांचं सध्या आता त्यांचं जे सुरू आहे ते मला वाटतं की गडबडलेल्या मनस्थितीमध्ये त्यांचा काही असा एक नेमकी भूमिका कळत नाही, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काही बोलणं योग्य नाही आहे। पण हे मात्र नक्की
त्यांचं हिंदुत्व हे खरंच वेगळी आहे। जे शरद पवारजींच्या आणि काँग्रेसच्या सोबत बसतात त्या कसं त्याच्यामध्ये हिंदुत्वाच्या गोष्टी चुकवतात, त्यामुळे आता याच्यावरती काही बोलून फायदा नाही आहे। पुढच्या काळात खऱ्या अर्थाने मतदानाच्या वेळी जनता ठरवेल की खरं कुणाचं खोटं कुणाचं। आणि मला निश्चित माहिती आहे, मी 29 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाचं काम करतो, उद्धवजी आता खरंच हिंदुत्ववादी राहिले नाही आहे, त्यांनी सार सोडून दिलं आहे, पारिवारिक प्रेमामध्ये साऱ्या गोष्टी ते विसरून गेले आहेत। हिंदू ऊर्जा सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी यांचं खऱ्या अर्थाने जीवनाचं जे कार्य आहे, जीवनचरित्र आहे, त्या जीवनचरित्राला बदल देऊन ते आपलं कर्तृत्व करत आहेत। मला वाटतं त्यांच्याबद्दल मी काय जास्त बोलणी योग्य नाही। आणि आतापर्यंत त्यांचं राजकारण बघा, जेव्हा जेव्हा सत्तेमध्ये आले तेव्हा कुणाला ना कुणाला तोडून, कुणाला ना कुणाला संपवून आले, त्यामुळे त्यांनी किती फिरले, खूप फिरले, त्यांनाकडे संधी होती खूप, उद्धवजीकडे संधी होती अडीचवर्ष फिरायची, अडीचवर्ष संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढायची, कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये लोक जेव्हा मरत होते तेव्हाही त्यांच्या मंत्रिमंडळात ते फिरू शकले असते, पण वेगवेगळ्या कारणाने ते नाही फिरले। आता ते फिरत आहेत, तर फिरायला काही मनाई नाही, त्यांचा पक्ष वाढला त्याला काही मनाई नाही आहे, शरद पवारांना जेव्हा त्यांचा पक्ष वाढवायला काही मनाई नाही आहे, पण महाराष्ट्राची जनता विचारणार त्यांना, अडीच वर्ष तुम्ही कुठे गेले होते, कुठं तुम्ही त्या महाराष्ट्राचा त्या ठिकाणी नेऊन ठेवला महाराष्ट्र, हे नक्की त्यांना लोक विचारतील, हे मला पक्क माहिती आहे। विदर्भ के वर्धा जिले को नया पर्यटन स्थल मिलने के संकेत है। वर्धा शहर के पास सालोद में वन विभाग का 18 हेक्टेयर वन क्षेत्र उपलब्ध है। विधायक डॉक्टर पंकज भोयर ने इस स्थान पर इको टूरिज्म पार्क स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से इस बारे में अनुरोध किया था। वन मंत्री ने तत्काल सकारात्मक रूख अपनाते हुए विभाग के सचिव को इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वर्धा जिले के मेघे अभिमत विश्वविद्यालय के पास और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रणनीतिक स्थान पर पार्क बनाया जाने वाला है। यह नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक अच्छी जगह होगी, साथ ही इस अवसर पर बेरोजगारों को रोजगार के कई अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस पार्क पर 21 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सेवाग्राम, पवनार, बोर अभयारण्य और अन्य स्थान वर्धा जिले को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। यह इको पार्क भी अब जिले के पर्यटन स्थलों का हिस्सा बनेगा। मुनगंटीवार ने भोयर के अनुरोध पर विभिन्न कार्यों के लिए भारी धन उपलब्ध कराया था, इसलिए इस प्रस्ताव को भी तुरंत स्वीकार किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है।
दुर्ग इतवारी रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है, इसलिए इस मार्ग पर चलने वाली 58 ट्रेनें रद्द की जा चुकी है। नतीजतन इससे रेल यात्रियों का आवागमन बाधित होगा। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दुर्ग गोंदिया नागपुर के बीच रेल पटरी बिछाई जा रही है। श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान पर्यावरण की रक्षा हेतु नागपुर महानगर पालिका और एजी एनविरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से निर्माल्य रथ को सजाया गया है। हर जोन में एक निर्माल्य रथ होगा। निर्माल्य रथ के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन जन जागरूकता गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया। इस दौरान शहर को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए जन जागरूकता भी पैदा की गई, जिसके बाद इस निर्माल्य रथ को नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर द्वारा हरी झंडी भी दिखाई गई। देखिए, इस साल गणेशोत्सव 2022 के लिए हमने सेपरेटली निर्माल्य रथ तैयार किए है। ये हर जोन में एक एक निर्माल्य रथ रहेगा। 10 जोन में हमारे 10 निर्माल्य रथ है। हमने हर गणेश मंडल को हम जाहिर आह्वान करेंगे कि उनके यहाँ पे निर्माण होनारा जनरेट होनारा निर्माल्य वो हमारे निर्माल्य रथ को ही दे। उसके साथ साथ उनके गणेश मंडल के आजू बाजू परिसर में जो घरगुती गणपति है, गणेश भक्तों से भी निर्माल्य वो स्वीकार करे और गणेश भक्तों ने भी उनका निर्माल्य वो गणेश मंडल के पास ही देना चाहिए। और हमारा जो निर्माल्य रथ है ये हर मंडल के पास पहुँचेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिए हुए आदेश हो नियम आदेश के अनुसार ही हम निर्माल्य का खाद बनाएंगे। निर्माल्य जो हमारे 10 व्हीकल कलेक्ट करेंगे वो 10 व्हीकल से कलेक्ट हुआ निर्माल ठेठ, ना किसी व्हीकल में शिफ्ट होगा ना कुछ होगा, वो कलेक्ट हुआ जैसे के वैसे निर्माल्य हमारा प्रोसेसिंग यूनिट पे जाएगा। निर्माल्य से हम खाद बनाएंगे। इस खाद इसके लिए हमने सेपरेटली ये गणेश उत्सव के लिए सेपरेटली प्लांट बनाया है। जो भी हमारा निर्माल्य कलेक्ट होगा वो हर निर्माल्य हम पूरे निर्माल्य से हम खाद बनाएंगे। सेपरेटली उसका खाद बना के हम गार्डन में भी उसका यूज करेंगे। हमारी टोटल 10 गाड़ियां है और हर गाड़ी में हमने सेपरेट बैग्स रखे हैं। बेसिकली एक निर्माल्य रथ में कितनी बैग रखी गई है सर और क्या कैपेसिटी है? हमारी 10 बैग्स है हर निर्माल्य रथ के साथ और हर एक बैग की कैपेसिटी 400 केजी की है। हर गाड़ी की कैपेसिटी 400 मेट्रिक टन की है। 400 टन एक गाड़ी लेके जाएंगी। 10 गाड़ियां हमारी 40 मेट्रिक टन एक ट्रिप में निर्माल्य हमारा पहुंचा सकती है। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, नागपुर के कई एनजीओज हैं जो नागपुर महानगर पालिका से इस अभियान में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको जुड़ना जरूरी है। पिछले 10 साल से हम फुटाला लेक के जो एयरफोर्स साइड है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। 10 दिन से फाइनल डे में नहीं 10 दिन रहते हैं और निर्माल्य कलेक्ट करते हैं और POP की मूर्तियों का विसर्जन और मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में कराते हैं। और ये जो आज का जो इनिशिएटिव है बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि निर्माल्य को कलेक्ट करना और उससे कंपोस्टिंग से खाद बनाना और फिर उसको रीयूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि ये जब निर्माल्य सड़ता है तो इसमें से काफ़ी पर्यावरण को हानि पहुँचती है, हम सभी जानते हैं। और POP की मूर्तियाँ और निर्माल्य अगर तालाब में जाता है तो उसका तो बहुत हानिकारक होता है, हम सभी जानते ही हैं। और बधाई देना चाहूँगा नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कि शायद ये देश में पहला ऐसा कोई शहर है हमारा नागपुर जिसमें सारे तालाबों को बैरिकेड किया गया है। तो ये जो एक सजगता है, ये जो एक सोच है, ये पहली बार देश में नागपुर ने कर दिखाया है कि हम हमारे नैसर्गिक जो संपदा, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं चाहूँगा कि हर नागपुरवासी इसका साथ दे और एक इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया के बाद पूरे राज्य से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। तीनों पार्टियों NCP, शिवसेना और कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और कुछ नेताओं ने तो राज्यपाल को हटाने की भी मांग की है। साथ ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी राज्यपाल को चेतावनी दे दी है। इस पृष्ठभूमि में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी पर हमला बोला है। विदर्भ के यवतमाल जिले की दिग्रस तहसील के अंतर्गत आने वाला उपाधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि कार्यालय के एक भ्रष्ट अधिकारी ने दिग्रस के मोतीराम सोनबा पाटिल की मृत्यु के 33 साल बाद जमीनी दस्तावेजों में हेराफेरी कर मूल मालिक कंडा बाबाजी पाटिल के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। मौजा दिग्रस बाउंड्री में सीट संख्या 11 प्लॉट संख्या 4 770 वर्ग मीटर के मूल मालिक उखंडा बबनजी तेली ये आज तक अबाधित है
और मूल विलेख उपाधीक्षक भूमि अभिलेख में भी उपलब्ध है, लेकिन वर्ष 2003 में श्री एस जे यादव जो भूमि अभिलेख उपाधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, मोतीराम सोनबा पाटिल के नाम पर एक झूठा और जाली हक शीर्षक पंजीकरण किया। इसमें भ्रष्ट अधिकारी द्वारा स्वामित्व और कब्जे का 70 साल का डेट दिखाते हुए प्लॉट नंबर 4 और 5 का निर्माण किया गया था और भ्रष्ट अधिकारियों ने मूल मालिक और उसके परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है। उनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मोतीराम सोनबा पाटिल की मृत्यु 23 सितंबर 1970 को लीवर फेल होने के कारण हो गई थी। यही रिकॉर्ड उपपंजीयक नगर परिषद दिग्रस के कार्यकाल में भी है। उनकी मृत्यु के 33 वर्ष बाद तत्कालीन उपाधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय दिग्रस श्री एस जे यादव एक भ्रष्ट और लालची भ्रष्ट अधिकारी सोने की सब्जियां खाकर कर्तव्य की पूर्व अवहेलना की है। मूल मालिक उकंडा बाबाजी पाटिल और उनके परिवार को भ्रष्ट अधिकारी ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जो उनके जीवन की अपूर्णीय क्षति है। हालांकि संबंधित अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने वाले अधिकारी एस जे यादव, जो वर्ष 2003 में उपाधीक्षक भूमि अभिलेख दिग्रस में ड्यूटी पर थे, करोड़ों रुपए के हस्तांतरण के कारण मृतक की मृत्यु को 33 वर्ष बीत चुके हैं। पंजीकृत सरकार को फर्जी दस्तावेज दिखाकर मोतीराम की अनुपस्थिति में 26 बारह 2003 को अधिकार और देश में पूर्व ने किया भी है। बहरहाल इस लाजखोर भ्रष्ट अधिकारी को पेंशन या सरकारी योजना का कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और संबंधित विभाग को बिना किसी पत्र की प्रतीक्षा किए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने स्तर से गलत तरीके से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी सामग्री की शिकायत जमाबंदी आयुक्त पुणे, महाराष्ट्र राज्य आयुक्तालय अमरावती, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख यवतमाल, उपाधीक्षक भूमि अभिलेख दिग्रस और दिग्रस तहसील कार्यालय के मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार को न्याय के लिए दी गई है। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।